क्या एक तो हम लोगों का व्यक्तिगत रिश्ता भी है, आज नहीं जिस समय हम लोग राजनीति में कखगत शुरू किए थे उस वक्त से रिश्ता है, तो वह अपनी जगह है, उसके चलते भी मुलाकात तो होते रहती है। बाकी एनडीए में घटक दल के रूप में हमारी पार्टी भी शामिल है, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में से एक नित्यानंद राय जी हैं, और चुनाव नज़दीक आ रहा है तो स्वाभाविक रूप से बैठे हैं, तो कुछ तो इस विषय पर भी चर्चा हुई है। क्या मायने निकाले जाए इसमें? नहीं, मायने क्या, कुछ नहीं निकालना है। एनडीए को कैसे हम लोग मजबूत करें इस पर बात हुई है, ताकि बिहार में 40 में 40 नरेंद्र मोदी जी की झोली में हम लोगों को देना है, तो इसके लिए तो हम लोगों को बैठते रहना पड़ेगा, बात करते रहनी पड़ेगी। आप लोग कितने सीट लड़ेंगे? अरे इसका जब मौका आएगा तो बता देंगे। जब कौन पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी यह कोई विषय नहीं है, 40 एनडीए लड़ेगा यह तो तय है। जीतेगा कितना? 40 में 40 हम लोग जीतेंगे, और उस हिसाब से हम लोगों की स्ट्रेटजी बन रही है, देखते जाइए। लेकिन जेडीयू का देखा जाए, आरजेडी का देखा जाए, वो तो लंबा लंबा कार्यक्रम। भैया जेडीयू आरजेडी में आरजेडी की बात थोड़ी कर सकते हैं आप, जेडीयू का कहाँ कोई सवाल है कि आप लोग झूठे जेडीयू कर रहे हैं। जेडीयू तो अब बिल्कुल समाप्त पार्टी है ना, जेडीयू बिल्कुल जो दिख भी रहा है, सब लोग उसमें जो बड़े नेता हैं कहीं ना कहीं या तो इनसे संपर्क में है, हमसे संपर्क में है, या कहीं और संपर्क में है, तो जेडीयू का तो अब कोई मतलब ही नहीं। आरजेडी अब विपक्ष की पार्टी है केंद्र के हिसाब से, तो अपनी स्ट्रेटजी वह भी बनाएगी, उससे हम लोगों को क्या लेना। अरे अब नाम बताना मुनासिब नहीं है ना, आप एमपी हैं क्या है? भाई उसमें बहुत सारे मंत्री भी हैं बिहार में, मेंबर पार्लियामेंट लोग भी हैं, अब इससे बड़े नेता की बात अब नाम कहिएगा सीधे तो बताना मुश्किल। टूटता है जेडीयू में, टूट क्या, जेडीयू बिल्कुल अब समझिए कि एक तरह से समाप्ति के कगार पर जेडीयू खड़ा है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और अटूट भी है और गहरा भी है। हम लोग राजनीति में थे भी, हम जिस समय राजनीति में नहीं थे उस समय से संबंध है, और अभी एनडीए के एक मजबूत सिपाही के रूप में इनकी जो पार्टी है वह एनडीए का एक मजबूत साथी है, तो हम जब एनडीए के मजबूत साथी के घर आकर, एक तो रिश्ता और दूसरा एनडीए का रिश्ता, उसमें आज हम लोग सुबह आए हैं, चाय पिए थे, और जब बैठते हैं तो माननीय उपेंद्र जी ठीक ही कहे हैं कि 40 की 40 सीट हम सब जीतेंगे, तो बैठे हैं तो कुछ न कुछ तो राजनीतिक चर्चा होगी, 40 की 40 सीट जीतेगी। और हमारे बिहार के अनुभवी नेता हैं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, इनके अनुभव का लाभ बिहार एनडीए को बहुत ही सकारात्मक तरीके से मिल रही है, और इसका परिणाम अच्छा आएगा। हम सब मिलकर, हम एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, चाहे वह माननीय माझी जी हैं, माननीय चिराग जी हैं, माननीय उपेंद्र जी हैं, हम सब मिलकर बिहार में 40 की 40 सीट जीतेंगे।